स्टार्ट होता है एक कैफे से जहाँ पर टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था जहाँ पर का एक फ्यूचर प्रडिक्शन देती है जो कि प्रडिक्शन थी उनकी डेथ की और उसी टाइम और डेट पर कुछ अजीब से डीम आते हैं और उस इंसान को मार देते हैं इसी सब के दौरान उस कैफे में एक आदमी बैठा था जो की बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था वो टाइम टू

लोगों को बता रहा था कि ये सारा गॉड एक्ट है और वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बुरा किया है जैसे कि कोई मर्डर किया हो किसी को नुकसान पहुंचाया हो या रेप किया हो ऐसी हरकतों की वजह से वो वो पनिश हो रहे हैं डिटेक्टिव जिनसु के पास आकर उससे लेता है है जिसके बाद वो बताता है कि कैसे यह सारा गॉड एक्ट है और पुलिस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अब साथ ही डिटेक्टिव को यहाँ पर अपनी बेटी नजर आती है जिसके बाद जिनसु बताता है की आपकी बेटी मेरी यहाँ पर एक वॉलंटियर है और अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको

सिद में लगा दी कि ये लोगों को बता सके कि उन्हें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से रुक जाना चाहिए जिनसू डिटेक्टिव को बताता है कि आपकी बेटी ने मुझे बता दिया कि आपके साथ क्या हुआ था कैसे एक ड्रग एटिक ने आपकी बीवी को मार दिया क्या ये सही बात नहीं कि साल के बाद ही वो आजाद हो गया और कैसे आप और आपकी बेटी अभी तक जिंदगी में बहुत उदास है डिटेक्टिव भी दिल ही दिल में उसकी बात से एग्री कर रहा था इसके बाद हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम पार्क है वो अपने घर जाती है रात को तो उसके बच्चे उसकी बड़ी सरप्राइज के लिए एक केक लेकर आते हैं और साथ ही एक वीडियो बना रहे होते हैं यहाँ पर अब अचानक से एक प्रिडिक्शन होती है जहाँ पर एक एंजल आकर पार्क को बताती है कि कैसे पांच दिन बाद ठीक तीन बजे उसकी डेथ हो जाएगी इसके बाद हम लोग ऑनलाइन एक आदमी को देखते हैं जो की एरोहेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था ये भी द न्यू ट्रूथ कल्ट के साथ ही काम करते थे ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बस गुंडे और बदमाश थे जो की क्रिमिनल रिकॉर्ड को ऑनलाइन सबके सामने लेकर आते थे ये ऑनलाइन उस आदमी के बारे में बता रहा था कि कैसे वो सब लोगों को समझा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं और ये बात एरोहेड की लोग, एरो लोग अपने बिलीफ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे इसके बाद मिन को कॉल आती है पार्क की जो बताती है की कैसे प्रशन के टाइम उसके बेटे ने एक वीडियो बना ली थी जिस वीडियो को जिनसुने भी देखा था जब पाँच दिन के बाद तुम्हारे पास आएंगे, तो हम उस सारे दिया तो जिन्सू उसे थ्री बिलियन वॉन देगा और उसके बाद अगर डीमन उसे मारे या ना मारे उसके पास पैसे तो रहेंगे और वो इसलिए पास आई थी कि अगर वो मर जाती है तो वो थ्री बिलियन वॉन उसके बच्चों तक पहुँच सके मिन को पहले तो यह सारी चीज बिल्कुल ही फेक लग रही थी जिसके बाद वो एग्री कर लेती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और इसके बाद ये लोग जिनसू से मिलने के लिए जाते हैं जिनसू से कहती है कि कि ये चीज डील होनी चाहिए कि इन लोगों की आइडेंटिटी किसी के सामने ना जाए और जिनसू इस बात से एग्री कर लेता है जिसके बाद वो पार्क से कहता है कि मुझे बताओ तुमने लाइफ में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से डीमन तुम्हारे पीछे आ रहे हैं पर यहाँ पर मिन कहती है कि तुम्हें इस चीज़ का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं इस सब में डिटेक्टिव को भी इन्वॉल्व कर लेती है डिटेक्टिव मिन से पूछता है कि तुम इसके बच्चों के साथ क्या करोगी मिन बताती है कि मैं इन्हें इनके कजिन के पास भेज दूंगी अब डिटेक्टिव का जो फ्रेंड था वो एरोड को फॉलो करता था और इसीलिए उसने पार्क और उसके बच्चों की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लीक कर दी थी जिसके बाद पार्क कॉल करती है मिन को और बताती है कि कैसे सारे लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद वो इन बच्चों को कैनेडा भेज देते हैं अब डिटेक्टिव को अपनी बेटी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैं अपनी दोस्त के घर स्टे कर रही

अब डिटेक्टिव की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उस ड्रग एडिक्ट को बेहोश कर देती है जिसके बाद बाद जिनसू उसके साथ मिलकर मिलकर उस दोनों मिलकर उसे जला देते हैं अब इसके बाद डिटेक्टिव की की बेटी को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि उसकी मां की मौत का बदला ले चुकी है वो अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिल जाती है जो की पूरी तरीके से जली हुई थी और ये सारी चीज जब न्यूज पर आती है तो डिटेक्टिव को पता चल जाता है की ये वही आदमी था जिसने उसकी बीवी को मारा था अब वो दिन आ गया था जिस दिन पार्क को मारने के लिए ने आना था इस सब चीज को देखने के लिए बहुत सारे वीआईपी लोग भी आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और जैसे ही वक्त करीब आने लगता है पार्क बहुत परेशान हो जाती है सबकी नजरें घड़ी पर थी कि जैसे ही वक्त पूरा होगा क्या डीमंस आएंगे कि नहीं जैसे ही वक्त पूरा होता है तो तीन डीमंस आते हैं और पार्क को मारने लगते हैं डिटेक्टिव बहुत कोशिश करता है कि पार्क को बचाए पर यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाता डीम उसे जोर से गिराते हैं और वो बेहोश हो जाता है पार्क की डेथ के बाद तो सारे लोग समझ आते हैं कि ये गॉडविल ही है और इसके बाद सब इस बात पे यकीन करने लगते हैं जब डिटेक्टिव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बेटी भी घर पर नहीं पहुंची इसके बाद डिटेक्टिव जब बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा शहर कितना ही ज्यादा सुनसान है हर कोई इस चीज से डरकर अपने घर में बंद हो चुका था जिसके बाद के साथ ऑनलाइन एक इंटरव्यू होता, होता है जो कि अपनी लाइफ को बुरे तरीके से गुजारते हैं और बुरे काम करते हैं अब डिटेक्टिव नोट करता है कि जिनसू की इंटरव्यू वीडियो में उसके पीछे उसकी बेटी की जैकेट भी लटकी है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिनसू के साथ होगी यहाँ पर लैपटॉप पर उसे कुछ फाइल्स रिसीव होती है जहाँ पर, कि पर अटैक किया था उसे बताता है कि कैसे वो सारे लोग भी बुरे हैं जो कि इस सब चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं जैसे कि मिन क्योंकि उसने उन बच्चों को बाहर भेज दिया और जिस दिन पार्क के साथ ये सब हो रहा था तो डिटेक्टिव ने भी उनमन को रोकने की कोशिश की थी इसलिए ये सारे लोग भी बहुत बुरे हैं ये सब देखते साथ ही मिन समझ आती है कि एरोहेड के लोग तो उसे नहीं छोड़ेंगे जिसके बाद वो फॉरेन घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि पैकिंग करें हमें इस जगह को छोड़कर फॉरेन जाना होगा वहाँ पर मेन को अपने नाम पर एक कुरियर मिलता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली ने चौदह साल पहले ही ये सब चीजें एक्सपीरियंस की थी अब ये नहीं पता था की उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसने भी प्रडिक्शन ले ली थी वो ये फोल्डर लेकर जाती है पुलिस स्टेशन जहाँ पर वो देखती है की वो भी बिल्कुल पूरा खाली था और एरोहेड के लोगो ने वहाँ पर भी बहुत ही बुरे तरीके से तबाही कर दी थी अब यहाँ पर उसके कुलिक की कॉल आती है कि एरोहेड के लोगों ने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा है जिसकी वजह से मेन अपनी मॉम के साथ फॉरन एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है पर इससे पहले कि वो ये जगह छोड़कर जा सकते एरोहेड के लोग आते हैं और मेन और उसकी मॉम को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं जिसके बाद ये बहुत मुश्किल से अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है वहाँ पर वो नोट करती है की आस पास के लोग उसे बहुत ही बुरे तरीके से देख रहे हैं उन सब लोगों को पता था की ये वही है जिसने गॉडविल में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी अब डिटेक्टर जाता है जिनसु के घर अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ पर उसे जिनसू नहीं मिलता और बाहर बहुत सारे लोग थे जो कि जानते थे कि ये वही डिटेक्टिव है जिसने पार्क को बचाने की कोशिश की थी यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा उसे मारते हैं कि अचानक से जिनसू की कॉल आती है डिटेक्टिव सब लोगों को बताता है कि जिनसू की कॉल है और सब लोग उसे मारना छोड़ देते हैं जिसके बाद जिनसू उसे बताता है कि मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिल जाती है उसी आदमी के पास जिसने वो पार्सल भेजा था वो आदमी कहता है कि मेरे पास वो सारा इंटरव्यू है जिसमें जिनसू ने अपनी सारी रियलिटी बताई थी बट बत वो ये सब कह कर वो चीज़ डिलीट कर देता है मिन जब उससे पूछती है कि तुमने ये डिलीट क्यों किया तो वो कहता है कि जिनसू कुछ दिन पहले मेरे पास आया था उसने मुझे एक ऑफ़र दी कि मैं तुम्हें द न्यू ट्रूथ का लीडर बना दूंगा अगर तुमने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया अब इसके बाद मिन भी वहाँ से जाने लगती है और बाहर उससे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि उसे मारने लगते हैं वो इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है जिसके बाद वो लोग उसे एक जगह पर छोड़ के भाग जाते हैं अब डिटेक्टिव पहुंचता है उस लोकेशन पे जो कि जिनसू ने उसे भेजी थी वहां पर जिनसू खुद डिटेक्टिव का वेट कर रहा था जब डिटेक्टिव आता है तो जिनसू उसे कहता है की मेरी प्रडिक्शन भी हो चुकी है चौदह साल पहले और मेरी प्रडिक्शन का टाइम दस मिनट बाद खत्म होने वाला है जिसके बाद डीमंस मुझे भी आके मार देंगे पर मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मुझे प्रिडिक्शन मिली पूरी जिंदगी मैंने मैंने उस वजह को ढूंढने में लगा दी और इसी वजह से मैंने पूरी जिंदगी बहुत डर कर जी है और शायद इसी वजह से मैं अच्छे काम करता रहा अब मैं भी ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग डर कर जिंदगी गुजारें और अच्छे काम करें ताकि बुराई यहाँ से खत्म हो जाए डिटेक्टिव बहुत ज्यादा गुस्से में था वो पूछता है की मेरी बेटी कहाँ है जिनसू कहता है की तुम घबराओ नहीं वो घर पर तुम्हारा वेट कर रही है अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं या तो तुम मेरी मौत की वीडियो बनाकर अपलोड कर दोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमे तुम्हारी बेटी उस ड्रग एडिक्ट को मार रही है या तो सेकंड ऑप्शन ये है कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दो और किसी को भी पता ना चले कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है अब जैसे ही दस मिनट पूरे होते हैं हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पर डीमन मन जाते हैं और जिन्सू को मार देते हैं अब इसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगा कर डिटेक्टिव पहुँचता है अपने घर जहाँ पर उसकी बेटी उसका वेट कर रही थी स्टोरी शिफ्ट हो जाती है चार साल के बाद की जहाँ पर लोग तो इस बात पे यकीन करने लगे थे इवन के डीमंस के बहुत ज्यादा जगहों पर स्टेचूस भी बन गए थे हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कैंपिंग वीडियो चल रही थी जो कि ये कल्ट ही चला रहा था उसमें उन सारे लोगों को बताया जा रहा था कि जो लोग अपनी प्रिडिक्शंस को छुपा रहे हैं ताकि यहां पर आकर उनको मारा ना जाए उन लोगों को सामने आना चाहिए और अपनी स्टोरी खुलकर बतानी चाहिए

साथ ही उसका दोस्त आता है बे उसे कहता है कि चलो दोबारा से एडिटिंग के लिए पर उसका दोस्त बहाना करता है कि मुझे मेरी बीवी के पास जाना है तो तुम ये काम अकेले कर लो उसका दोस्त थोड़ा परेशान लग रहा था साथ ही उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है वो बे से कहती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो बनाकर देती हूँ तुम्हारे न्यू बॉर्न बेबी की जिसके बाद वो इंटेंसिव केयर में जाती है क्योंकि उसके बेबी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी वहाँ पे वो कैमरा ऑन करती है और साथ ही उसके बेबी को प्रडिक्शन मिल जाती है कि कुछ अरसे बाद उसकी भी डेथ हो जाएगी प्रशन के अकॉर्डिंगली उसके बेबी की डेथ पांच दिन के बाद हो जाएगी अब यहां पर बे को उसकी फ्रेंड की की वाइफ कॉल आती है जो बताती है कि काफी दिनों से उसका हस्बैंड कुछ अजीब बिहेव कर रहा था अब ये सुनने के बाद बे उसी फिशिंग स्पॉट के एड्रेस पे जाता है जहाँ पर उसे नजर आता है की उसका दोस्त रो रहा था वो उसको आवाज देता है तो उसका दोस्त भागने लगता है अब यहाँ पर बे अपने दोस्त

को मार देते हैं साथ ही सूडो फर्म के लोग आते हैं और यहाँ इसकी बॉडी और सारे प्रूफ को मिटा देते हैं एक प्रोफेसर आता है और बे से कहता है कि यहाँ पर अब जो कुछ भी हुआ था तुम इस बात को को भूल जाना ये लोग बे बेहोश करके एक सुनसान सी जगह पर छोड़ आते हैं बे को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था यहाँ पर उसकी वाइफ उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है बे जब उसके पास आता है तो उसे पता चलता है की उसके न्यू बॉर्न बेबी को भी प्रिडिक्शन मिल चुकी है दूसरी तरफ न्यू न्यूट्रूथ कल्ट के लीडर भी उस सीन पर पहुँच जाते हैं जहाँ

मीटिंग में कल्ड के लीडर को पता चलता है कि सूडोलो फर्म की ओनर है लॉयर मेन ये वही लॉयर थी जिसको पहले इन लोगों ने मार दिया था बट वो मरी नहीं थी जिंदा है यहाँ पे कल्ड के लीडर को लगता है कि मेन तो गॉड का मजाक उड़ा रही है इसलिए इस नई फर्म के सारे लोगों को पकड़ कर लेकर आना है दूसरी तरफ बे को बहुत परेशानी थी वो अपने ऑफिस जाता है और उसी प्रोफेसर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उस क्राइम सीन के ऊपर उसे सब कुछ भूल जाने को कहा था यहाँ पर बहुत मुश्किलों से उसे एड्रेस मिलता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे ये बात समझ नहीं आई थी क्योंकि अगर प्रडिक्शन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने गुनाह किया था तो उसके न्यू बॉर्न बेबी को कैसे प्रिडिक्शन मिल गई यहाँ पर प्रोफेसर बे को बताता है कि ये बात बिल्कुल गलत है और सिर्फ सिनर्जी को सिर्फिक्शन नहीं मिलती बे यहाँ पर प्रोफेसर से कहता है की मुझे आपकी मदद की जरूरत है जिसके बाद ये लोग मिलते हैं लॉयर मिन से मिन उसे बताती है की कैसे ये सारा काम जिनसू ने बहुत साल पहले स्टार्ट किया था पर चार साल पहले उसकी भी मौत हो चुकी थी सब लोगों को लगता है की सिर्फ सीनियर्स के साथ ही ये होता है और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये सब कुछ गलत है उन्हें बहुत ही अच्छे प्रूफ की जरूरत है मेन यहाँ पर बेसे कहती है कि अगर वो अलाउ करे तो ये लोग उसके बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट कर सके ताकि सारे लोगों का डाउट क्लियर हो क्योंकि ये सिर्फ के साथ नहीं हो रहा अब ये बात सुनकर तो बे बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और इन सब लोगों पे चिल्लाने लगता है मिन यहाँ पर बे को थोड़ी तसली देती है और बताती है कि कैसे तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ किया नहीं जाएगा साथ वो ये भी बताती है कि कैसे चार साल पहले पार्क की लाइव ब्रॉडकास्ट को वो रोक नहीं पाई और हर एक को यकीन हो गया कि ये सारा काम का ही है और अब इसलिए प्रोडिक्शन हुई कि वो थर्टी सेकेंड के बाद मर जाएगी उसे अपनी बेटी की चेहरा अभी भी याद है कि वो उसे शायद कुछ बताना चाहती थी पर इससे पहले उसकी डेथ हो गई दूसरी तरफ सूडोलो फर्म के एक आदमी को न्यूट्रूथ कल्ट के लोग उठाकर ले जाते हैं जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा मारते हैं एंड पर आकर वो प्रोफेसर का नाम और एड्रेस बता देता है जिसके बाद एरोहेड के के लोग प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर एक अलग जगह पर ले जाते हैं यहाँ पर उसकी लोकेशन खोली जाती है ताकि पता चल सके कि वो कहां -कहां गया था इसके बाद यहां का लीडर एरोहेड कहता है कि इसको मार दो जिसके बाद प्रोफेसर को मार दिया जाता है नेक्स्ट एरोहेड का टारगेट था मेन पर मेन उनसे पहले ही वहाँ से चली गई थी और वो सारा कुछ वहाँ से इरेज करके निकली थी इसके बाद भे अपनी बीवी को बताता है कि कैसे वो कुछ लोगों से मिला था और अब वो उसके बेबी की लाइव प्रॉडकास्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि सिर्फ सीनर्स के साथ ये नहीं होता यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोती है बे अपनी वाइफ को समझाता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो इसको एक एक्सीडेंट की तरह दिखा देंगे अब नेक्स्ट डे दे बे देखता है कि टीवी पर दिखा रहे हैं कि न्यू न्यूट्रूथ कल्ट के लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है साथ ही टीवी पर इस फर्म के बारे में भी बता दिया जाता है अब ऐसे ही बे कॉल करता है मिन को और बताता है कि कैसे प्रोफेसर को मार दिया गया है मिन बे से कहती है कि वो अपनी वाइफ के साथ ही रहे जब वो अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसकी वाइफ अपने बेबी को लेकर न्यू न्यूट्रूथ कल के लोगों के पास जा रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके बेबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है बेकी वाइफ जब वहाँ के लीडर के पास जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर उसकी बेबी की प्रिडिक्शन हुई थी तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लैंक हो जाता है और कहता है कि इन्हें हर केस के बारे में नहीं पता चलता जिसके बाद वो वीडियो लेकर बाकी सारी टीम के पास आता है वहाँ पर डिस्कशन होती है कि अगर ये वीडियो वायरल होगी तो लोगों को उन पर यकीन नहीं रहेगा कि कैसे एक बेबी के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है जिसके बाद वो बेबी को बेकी बाइक से अलग करने की कोशिश करते हैं न्यू टूथ कल की बिल्डिंग में बहुत सारे रिपोर्टर्स भी पहुँच जाते हैं क्यूँकी समझ नहीं आ रही थी की हो क्या रहा है यहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और कहता है कि 10 मिनट के अंदर उसकी प्रिडिक्शन पूरी होने वाली है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है जिसका फायदा उठाते हुए बे और मिन अंदर जाते हैं और बे की वाइफ और बेबी को छुड़ा के वहां से भागने की कोशिश करते हैं इसके बाद मिन इन्हें एक घर पे लेके जाती है जहाँ पर एक आदमी होता है जिसको तीन साल पहले मिल चुकी थी पर मिन बे से कहती है कि इनको अब कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा अगर ये लोग वीडियो सब लोगों को दिखा देते हैं तो लोगों को कई हद तक इन पर यकीन आ जाएगा पर इस काम के लिए उन्हें वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके वो आदमी जिनके घर ये लोग गए थे इन्हें बताता है कि कैसे वो पहले बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन काम किया करता था और अगर उसने अपने चैनल पर, तो पर, पर हमें एक बहुत ही बड़ी चीज पता चलती है की जिस इंसान के घर ये लोग आकर रह रहे थे कि वही था जो पहले एरो के लिए यहाँ पर लाइव वीडियोस किया करता था इसके बाद हम देखते है की कैसे ये आदमी घर से जाता है और कल्ट वालों को फोन करके बताता है कि कैसे वो छोटा बेबी इनके घर ही है अब वहाँ पर लीडर इसको बहुत ही मज़े से माइंड गेम के साथ कंफ्यूज करता है और बताता है कि कैसे गॉड ने यह सब कुछ प्लान इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर इस आदमी की भी डेमोन्स्ट्रेशन बेबी की पाँच मिनट के बाद की थी इसलिए वो उसे कहता है कि जैसे ही बेबी की डेथ हो जाए हर चीज़ को मिटा देना ताकि लोगों तक ये बात ना पहुँच सके कि एक बेबी को भी इस तरह से प्रडिक्शन आई है वरना कोई भी न्यू ट्रुथ लोगों पर यकीन नहीं करेगा इस बात को सुनते साथ ही वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा जिसके बाद वो बिल्कुल ही पागलों वाली हालत में पहुंच जाता है अपने घर वहाँ पर वो बे से मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा वो बे पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है जिसके बाद वो ऊपर जाता है ताकि बे की वाइफ़ और बेबी को भी मार सके यहाँ पर अचानक से मिन उस आदमी पर हमला करती है और बेबी को बचा लेती है अब टाइम ऊपर हो चुका था और यहाँ पर आ जाते हैं वो डीमंस बेबी को मारने के लिए मिन उन डीमन से बहुत लड़ने की कोशिश करती है अब बे को भी होश आ जाता है और वो अपने बेबी को बचाने के लिए ख़ुद को और अपनी वाइफ के बीच में बेबी को बचा बांध लेते हैं इसके बाद डीमंस जैसे ही उन पर हमला करते हैं बे और उसकी वाइफ जल जाते हैं और बेबी बच जाता है इसके बाद में बेबी को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है वही आदमी इनके पास दोबारा आता है मारने के लिए पर डीमंस अब उस पर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं सब लोग जमा हो चुके थे और देखते हैं कि कैसे बेबी बच चुका है इतने में यहाँ पर न्यू ट्रूथ कल के लोग भी पहुंच जाते हैं वहाँ का लीडर जब यहाँ पर आकर सब कुछ देखता है तो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे यहाँ पर वो लीडर एक आदमी को मारता है जिसके बाद पुलिस उस लीडर को ले जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि मिन बेबी के साथ एक टैक्सी में बैठ चुकी है टैक्सी ड्राइवर यहाँ मिन से कहता है की इंसानों की दुनिया बहुत अजीब है इन्हें अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए हो सकता है की ये टैक्सी ड्राइवर वही डिटेक्टिव हो क्यूँकी यहाँ पर उसका चेहरा ठीक से दिखाया नहीं जाता अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पार्क की खुद बॉडी जिंदा हो गई है हो सकता है कि बेबी के बचने के बाद वो सारे लोग जो इस वजह से मरे थे दोबारा जिंदा हो जाएं। अब ये सारी बात तो हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगी ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है